हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 9 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो हमारी न्यूज़ आई है वो आई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके। क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके गवर्नमेंट ने इसको कंजर्व करने के लिए काफ़ी सारे अभी स्टेप हैं वो उठाए हैं। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक पक्षी है मेनली, इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो यहाँ पे जानने हैं जो यूपीएससी पूछ सकती है नॉर्मली एग्जाम में। पहली बात तो ये कि IUCN की जो लिस्ट है उसमें यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, मतलब इसको खतरा बहुत ज़्यादा है। और अभी इनकी तो संख्या वो लगभग 150 के आसपास है, वो है टोटल, मतलब 150 ही बच्चे हैं अभी तक। इंपॉर्टेंट ये है कि इनका नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ पे है। तो मेनली ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इन वाले एरियो में, इवन कुछ हिस्सा कर्नाटक और आंध्रा में भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली है राजस्थान का एक स्टेट एनिमल, स्टेट अब बर्ड है, तो ये आपको गुड फैक्ट देखने हैं। नेक्स्ट बात ये है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसमें इसको कंजर्व किया गया है Schedule 1 में, मतलब प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है वो दी गई है। इसी के साथ ही जो साइट्स के अपेंडिक्स हैं उसमें भी फर्स्ट में इसको प्रोटेक्शन दी गई है। तो आप समझ सकते हो कि संख्या 150 से कम है, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है वो दी गई है। देखो, बात ये है कि अभी और भी जो रिकवरी प्रोग्राम है वो चलाए गए हैं ताकि मिला के इनको सपोर्ट है वो किया जाए। और ये प्रोग्राम चलाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, ताकि फॉरेस्ट एरिया में जो इनका शिकार वगैरह होता है, पोचिंग वगैरह को रोका जा सके और इनकी संख्या को कंजर्व है वो किया जा सके। अब इनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले भी अभियान चलाए हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान के द्वारा चलाया गया था। इसका मोटो यह था कि भाई जिन एरियो में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं उन एरियो की फेंसिंग की जाए और वहाँ पे ब्रीडिंग को सपोर्ट किया जाए, और प्रोटेक्ट एरिया में कोई भी बाहर से स्पीसीज है उसको अनुमति ना दिया जाए, और वहाँ पे आप बोल सकते हो कि शिकार वगैरह को कम्प्लीटली बैन है वो किया गया है, और आउटसाइडर लोगों को लाओ नॉर्मली वहाँ पे नहीं किया गया है। अब प्रोटेक्ट एरिया है कहाँ पे, ये यूपीएससी आपको पूछ सकती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, या प्रोटेक्ट एरिया में आता है तो वो आता है डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी जो कि राजस्थान में है। इसी के साथ ही राला पाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, इन कुछ ऐसा तेलंगाना में भी आता है इसका। इसी के साथ ही यहाँ पे केरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये सॉरी करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आती है मध्य प्रदेश में। तो मेनली ये तीनों आपको जो ने सॉरी जो यहाँ पे नेशनल पार्क सेंचुरीज हैं इनका पता होना चाहिए कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। करेरा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और राला पाडू ये है बेसिकली आंध्र प्रदेश में, और डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लेके। देखो, बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा। पहले ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव के तौर पे स्टार्ट की गई थी, बाद में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब पूरे स्टेट आप बोल सकते हो कि नेशनल लेवल पे स्कीम को इम्प्लीमेंट है वो किया था। ये जो स्कीम है इसका दो मोटो है। पहला तो यह बेटी बचाओ, मतलब हमारे देश में जो गर्ल्स की हत्या कर दी जाती है आप ये बोल सकते हो, या फिर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इसको मेंटेन करना, और इसी के साथ ही गर्ल्स को प्रमोट करना, एम्पावर करना, उनको पढ़ाना, टीचिंग से रिलेटेड दो इसके मकसद हैं, ये आपको मैन पता होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो इस स्कीम का मोटो ये है कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, और इसी के साथ ही गर्ल्स एजुकेशन है इसको प्रमोट करना है, ये दो मेन इसके मोन टारगेट हैं। ये जो स्कीम है ये मैंने आपको बताया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो है इसको प्रमोट करने के लिए, इसको बैलेंस स्थापित करने के लिए भी काम करती है। देखो क्या है कि हमारे देश में जेंडर न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें हम देखते हैं कि हम काफ़ी पीछे रहते हैं। कहीं ना कहीं हम गर्ल्स एजुकेशन में भी काफ़ी पीछे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में भी हम पीछे हैं। तो एक तरीके से गर्ल्स को या वुमेन को पावर, मतलब एम्पावर करने के लिए, और जो सेक्स रेशियो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है वो लिया गया है। इसमें बेसिकली तीन मिनिस्ट्री हैं उनका कोलाब्रेशन है, क्योंकि देखो जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसी के साथ ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि महिला या बोल सकते हो कि चाइल्ड फीमेल है उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए है, और HRD मिनिस्ट्री का काम ही है कि भाई जो भी एजुकेशन है बेटियों को पढ़ाना है वो काम। तो इसलिए तीन मिनिस्ट्री का कोलाब्रेशन है, ट्राई मिनिस्ट्रियल अफोर्ड है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। आगे देखो हम बात करें कि सेक्स रेशियो कैसे काउंट किया जाता है। देखो, चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बेसिकली काउंट किया जाता है 1,000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, जो कि काउंट किया जाता है 0 से 6 साल के बच्चों की एज को लेके। तो ये हमें ध्यान में रखना है
कि 0 से 6 साल के कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, इनके बेसिस पे काउंट है, वो किया जाता है कि भाई 1,000 लड़कों पे कितनी लड़कियां अवेलेबल हैं। और देखो जो अभी डाटा सामने है अभी हमारे देश का, वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। 1961 के बाद हम देखें तो लगातार हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो या वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ गवर्नमेंट इतना अफर्ड या इतने प्रयास नहीं लगा पाई है जितने खैर लगाने की जरूरत थी। हमारे देश में अगर हम बात करें तो प्री बर्थ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, और इसी के साथ ही सेक्स सिलेक्शन को भी लेके काफ़ी बड़ी भ्रांति है, और हम आए दिन न्यूज़ वगैरह में देखते भी हैं। और पोस्ट बर्थ डिस्क्रिमिनेशन, प्री बर्थ डिस्क्रिमिनेशन तो यह है कि पुरुष प्रधान समाज होना, और पोस्ट बर्थ डिस्क्रिमिनेशन आप जानते हो कि सोसाइटी में गर्ल्स को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, उनको पढ़ाया नहीं जाता ज़्यादा, तो ये भी पोस्ट बर्थ डिस्क्रिमिनेशन में आ जाते हैं। तो इन समस्याओं से हमें निजात है वो पानी है। 1991 में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो था 9.45, 2001 में गिर के हो गया 9.27, और 2011 में है वो है 9.18। तो आप लगातार देख सकते हो कि इन 3 दशकों में किस तरीके से रैपिडली है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब देखो जो बेटी पे जो बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो है हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, क्योंकि इन एरियो में गर्ल्स को एजुकेशन है वो अच्छे से नहीं जाती है, और एम्पावरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है वो गवर्नमेंट कर रही है। और अभी देखो इन स्टेट से काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो देखने को गवर्नमेंट को मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोग्राम को और अच्छे से इम्प्लीमेंट है और प्रमोट है वो कर रही है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस को लेके। देखो अभी रिसेंटली 4th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है जो कि आयोजित की गई थी मालदीव की कैपिटल है माले वहां पर। देखो इंडियन ओशन के बारे में कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। इंडियन ओशन है वहाँ पे काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि धनी है नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में, प्राकृतिक संसाधन काफ़ी ज़्यादा हैं। हम बात करें तो जो 40% वर्ल्ड का ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन है वो अकेले इंडियन ओशन के बेसिन से ही होता है। इसी के साथ ही फिशिंग की बात करें तो वर्ल्ड की लगभग 15% फिशिंग है वो ऑलमोस्ट इंडियन ओशियन में ही की जाती है। मरीन रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि हम बात करें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, निकल भी पाया जाता है, कोबाल्ट हुआ, आयरन हुआ, इसी के साथ ही सल्फाइड भी पाया जाता है, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, तो ऐसे काफ़ी बड़े खनिज के भंडार हैं वो इंडियन ओशियन में पाए गए हैं। इसी के साथ ही इंडियन ओशन का जो कोस्टल सेगमेंट है उसमें भी टाइटेनियम, जीरोनियम, टिन, जिंक और कॉपर के बहुत अथाह भंडार हैं वो देखने को मिले हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में है। तो ये कुछ फैक्ट आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो एज ए वैल्यू एडिशन कि भाई इंडियन ओशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके की रिसोर्सेज हैं, कैसे वगैरह है, और कैसे इंडिया इनका यूटिलाइज है वो कर सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन में इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो हो जाता है। तो अभी जो मीटिंग हुई थी ना वो मीटिंग की गई थी इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, मतलब इंडिया फाउंडेशन का ही एक इनिशिएटिव था, उसके तहत ये मीटिंग की गई थी। इसमें सिंगापुर ने पार्टिसिपेट किया था, श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने भी। मोटो क्या था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का? मोटो यही है कि भाई इंडियन ओशन के जो कंट्रीज हैं नेबरिंग, उनके गवर्नमेंट हेड या उनकी जो मैन मिनिस्ट्रीज हैं, मैन लीडर्स हैं, वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब मिलके इंडियन ओशन के रिसोर्सेज को सही ढंग से यूटिलाइज है वो कर सकें, कोई भी मिसयूज ना हो, ज़्यादा एक्सप्लोइट भी ना करें, इन सब के ऊपर फोकस करने को लेके, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड को लेके। देखो फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड है, इसको बेसिकली ओस्कर अवार्ड भी कहते हैं साइंस के क्षेत्र में, और ये अवार्ड इस बार दिया जा रहा है MIT जो कि USA आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड की एक टॉप यूनिवर्सिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है, मैचुरस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि US बेस्ड है, इसको इस बार फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड है वो दिया जा रहा है 2020 का। किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि 2019 यानी इसी साल बेसिकली जो MIT इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ब्लैक होल की इमेज है उसको प्रकाशित किया था, और इसी एज में अवार्ड है वो दिया जा रहा है। तो जो फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड है इसको वैसे ब्रेक थ्रो फिजिक्स प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, या ब्रेक थ्रो प्राइज के नाम से भी मेनली जाना जाता है। ये जो प्राइज है ये एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज, एक फाउंडेशन है ये, मतलब संस्था है जिसका नाम है फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज, जो कि बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेनली हम बात करें तो बेसिकली रशियन बेस्ड है। रशिया के एक फिजिस्ट थे जो कि काफ़ी अपने आप में अहम भी थे, और एक तरीके से वो इंटरनेट इंटरप्रेन्योर भी थे, जिनका नाम था यूरी मिलनर,
उनके द्वारा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट है वो किया गया था, और ये जो प्राइस है इसको 2012 से स्टार्ट किया गया था और अभी इसका ये एडिशन है वो स्टार्ट किया जा रहा है। देखो ब्लैक होल है उसके लिए जो टेलीस्कोप यूज किया गया था वो ध्यान रखना है इवेंट ओरिजिन टेलीस्कोप जो कि यूएसए का था, तो ये आपको कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फूट एंड माउथ डिजीज को लेके। पहली बात ये कि फूट एंड माउथ डिजीज हैं ये मेनली जानवरों में होती हैं, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए, और ये एक वायरस जनित रोग है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। अभी कंटेक्स्ट यह है कि गवर्नमेंट ने 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाया है ताकि जो हमारे देश में जानवरों में मेन बीमारी है इस वायरस की वजह से उसको कंट्रोल किया जा सके, फूट एंड माउथ डिजीज को। देखो जो यहाँ पे वायरस है उसका नाम है पिकॉर्न, ये आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है इसमें जानवरों का जो मुंह या माउथ, तो आपको पता है मुंह हो गया एक तरीके से, फुट का मतलब हो गया पैर, जो खुर होते हैं नीचे जिन पे जानवर चलते हैं उनमें क्या है कि छाले टाइप के हो जाते हैं और फिर वो काफ़ी बड़ी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि घाव टाइप में बदल जाते हैं, तो जानवर ना तो ढंग से खा पाता है और ना ही ढंग से चल पाते हैं, और इसकी वजह से कई बार उनके मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है, और ये बहुत बड़ी डिजीज है, एक बार फैलने लग जाती है तो फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और गवर्नमेंट का देखो टारगेट ये है कि जो फूट एंड माउथ डिजीज हैं जो कि मेनली अगर हम बात करें जिन्हें ब्रुसेलोसिस के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना है इंडिया में और 2030 तक इस चीज़ को ख़त्म कर देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इरेडिकेशन की बात की गई है कि भाई 2030 तक हम इसके केस हो ना के बराबर लेके आए, इसीलिए गवर्नमेंट ने फंड है वो अभी एलोकेट किया है। और ये जो फूट एंड माउथ डिजीज है ये एनिमल चाहे डोमेस्टिक एनिमल हो चाहे वाइल्ड एनिमल हो दोनों को इफेक्ट है वो करती है। इफेक्ट या बोलते सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि हाई फीवर होती है जानवर को, जानवर ढंग से चल नहीं पाता ना ढंग से खा पाता, तो इस तरीके की प्रॉब्लम वो होती हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR, क्या है ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, वो बेसिकली 2007 में सेटअप किया गया था, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, CPCRA एक्ट 2005। ये जो एक्ट है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो कि इसको रेगुलेट है वो करती है। देखो हमारे देश में जो बच्चे हैं जिनकी एज 0 से लेकर 18 साल तक एज है उन बच्चों को लेके अगर कोई भी लॉ बनते हैं, जैसे मान लो कि हमारे देश में एक कोई भी कानून बनाया गया जो कि बच्चों को कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहा है या फिर उनके लिए फेयर नहीं है, तो ऐसे जो एक्ट बन रहे हैं या फिर कोई इस तरह की पॉलिसी बन रही है जो बच्चों के लिए सही नहीं है या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिससे जो कि बच्चों के लिए मतलब सुटेबल नहीं है, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्सप्लोइट कर रहा हो या फिर कोई और भी ऐसे मैकेनिज्म हो, कोई भी ऐसा प्रोग्राम आप बोल सकते हो चाहे इंडिया बेस्ड हो चाहे बाहर बेस्ड हो, उसको रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन जारी करती है कि भाई आप ऐसा कानून नहीं बना सकते। अगर कोई कानून बन भी जाता है तो उसके ऊपर फिर NCPCR एक्शन लेती है और उस कानून को एक तरीके से मतलब ख़त्म करवाती है या उसमें चेंजेस है वो करवाती है। बाकी ये हम बात करें तो यह यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है राइट टू फोर चाइल्ड कि बच्चों के लिए जो राइट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको भी कंजर्व करती है और बच्चों को प्रॉपर राइट्स है वो प्रोवाइड करवाती हैं, तो ये पीक न्यूज़ है वो आई है इसको लेके। तो देखो ये थी आज की न्यूज़, तो फिलहाल की न्यूज़ में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।